नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम दसवीं कक्षा का जो चैप्टर है ग्यारहवां रचनाएं कंस्ट्रक्शन, वो चैप्टर लेके आए हैं। इस चैप्टर को करने के लिए मैथ के अंदर हमें ज्योमेट्री बॉक्स की सहायता की आवश्यकता होती है, ज्योमेट्री बॉक्स की, और ज्योमेट्री बॉक्स से ही हम इस पूरी पूरी कंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करेंगे कि किस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन करते हुए किस चीज की जरूरत होती है, कैसे कंस्ट्रक्शन की जाती है, किन किन चीजों की हमें आवश्यकता होती है। ये हमारे पास स्केल है, ये स्केल है, इसके अंदर देखिए ये अंकित किए गए हैं, जैसे ये पार्ट 1 2 3 4 5, ये हमारे इंचों में है, और इधर दूसरी साइड ये क्या हमारे पास है, ये हमारे पास दे रखे हैं, हमारे पास ये दिए गए हैं सेंटीमीटर में, और ये हमारे पास डिवाइडर होती है जिसके दोनों पार्ट नोकीले होते हैं, और ये हमारे पास कंपास होती है, कंपास। इन तीन चीजों के माध्यम से ही हम इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन जो हमारी रचनाएं है, रचना को करने के लिए हमारे पास तीन स्टेप होते हैं, तीन स्टेप, 1 2 और 3। इन तीन ही स्टेपों से हम पूरे कंप्लीट आंसर को मांगते हैं कि तीन ही स्टेप करने के बाद ही आंसर होगा। पहला होता है रचना, रचना यानी कि जो चीज हमें बताई गई है उसको बनाना। हमारी जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 11.1 में हमारे पास है दो तरह के क्वेश्चन है, एक तो रेखाखंड को हमने बांटना है किसी अनुपात में, दूसरा दो समरूप त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज बनानी है। ये दो तरह की है, ये रचना ही करनी है हमने इनके अंदर। फिर दूसरी बात, जब रचना जो रचना हम कर रहे हैं और जो जो स्टेप हम कर रहे हैं उनको रचना के चरण बोला जाता है, रचना के चरण। यानी कि हमने सबसे पहला स्टेप क्या लिया, उसके बाद फिर क्या किया, उसके बाद फिर क्या किया, उसके बाद फिर क्या किया, फिर उसके बाद ये हमारे पास दूसरा काम होता है जो हम यहाँ बना रहे हैं, उसी को अपने शब्दों में यहाँ अंकित करना ही रचना के चरण कहलाता है। फिर रचना का औचित्य, रचना का औचित्य, औचित्य यानी कि औचित्य का मतलब क्या है, औचित्य का मतलब है जो हमने रचना की है वो कितने प्रतिशत सही की है, यानी कि ये कितना वेरीफाइड करना है कि ये अच्छी तरह हमारा जो बनाया है वो सही है या नहीं है, वेरीफाइड करना है, यानी कि ये जो हमने सत्यता की जांच करनी है। ये तीन स्टेप है, ये तीन स्टेप है हमारी एक्सरसाइज 11.1 के। देखिए, जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है, मान लीजिए क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में, 4 अंकों में क्वेश्चन आता है, तो 1.5 नंबर का तो आपका होता है 1.5 मार्क्स की तो रचना, फिर 1.5 मार्क्स के होते हैं रचना के चरण, फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है ये 1 मार्क्स का होता है औचित्य, हमारे पास 1 मार्क्स का औचित्य होता है, 1 नंबर में औचित्य आता है। आपने रचना कर दी, चरण नहीं लिखे, आपके पूरे 1.5 नंबर नहीं मिलेंगे। रचना की साथ में चरण लिख दिए तो आपके क्या होंगे, 3 नंबरों में से जितना आपका टीचर देगा, जहां तक ठीक है उसके हिसाब से, परंतु आपने रचना के नहीं चरण लिख दिए तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, और आपने पूरी रचना कर दी, पूरा चरण कर दिया पर औचित्य नहीं किया, तो आपके 4 में से 3 ही मार्क्स आएंगे, 3 ही मार्क्स आपको मिल पाएंगे। चलिए तब मैं बताता हूं कि इसके लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता होगी, किन चैप्टरों की हमें आवश्यकता होती है इसके लिए। चलिए, सबसे पहले आपको एक पता होना चाहिए, इनमें रेखाखंड का अनुपात में विभाजित करते हो या त्रिभुज को समरूप त्रिभुजों में विभाजित करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें
क्या? सबसे पहले न्यून कोण पता होना चाहिए। न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण वो कोण होता है, वो थीटा होता है जो जीरो से तो बड़ा होता है परंतु 90 डिग्री से छोटा। ऐसे न्यून कोण की हमें आवश्यकता होगी। दूसरी स्टेप हमें क्या पता होना चाहिए? हमें थेल्स थ्योरम पता होना चाहिए। थेल्स, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है? आधारभूत समानुपातिका। दूसरा नाम होता है आधारभूत समानुपातिका या समानुपातिक प्रमेय। इसको इंग्लिश में बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी बोलते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। परंतु ये न्यून कोण तो पता चल गया, पर ये है क्या? जब देखिए आपने 6 चैप्टर किया है, चैप्टर 6 से 10वीं कक्षा का किया, उसमें क्या है कि हमारे पास कोई अगर एक त्रिभुज है, ये हमारे पास है कोई त्रिभुज है, हमारी एक त्रिभुज में क्या दे रखा है कि कोई एक भुजा के समांतर अगर हम एक रेखा खींच देते हैं जो उसकी अन्य दो भुजाओं को कहीं M और N बिंदु पर कट करके त्रिभुज हमारी A B C है। इसके B C के, यानी कि अगर B C के समांतर हम N M रेखा कट कर देते हैं तो ये क्या होगा? जितना हिस्सा ये बनेगा, जितना हिस्सा ये बनेगा, जितना हिस्सा ये बनेगा, जितना हिस्सा ये बनेगा, ये समानुपाती होंगे। यानी कि x1 बटे x2 और y1 बटे y2, y1 बटे y2, ये हमारे पास क्या होगा? इन ये समानुपाती हो जाएंगे। यानी कि क्या कहती है थेल्स थ्योरम? ये कहती है कि एक त्रिभुज में अगर किसी एक भुजा के समांतर अगर हमारे पास कोई एक रेखा खींची जाती है, वो अन्य दो भुजाओं को M और N बिंदु या दो बिंदु पर कट करती है, तो वो कैसे अनुपात में कट करेगी? वो समानुपाती अनुपात में कट करेगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात, अगर मैं इसको इस तरह से ले लेता हूं, ये त्रिभुज हमारी ए एन एम है और दूसरी त्रिभुज हमारे पास ये होगी हमारे पास ए बी सी। अब इसका अनुपात इसके साथ और इसका अनुपात इसके साथ और ये कोण इन दोनों में बराबर है, तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों त्रिभुज ए एन एम और दूसरी त्रिभुज कौन सी है? त्रिभुज है ए बी सी। ये दोनों क्या होंगी? ये दोनों समरूप त्रिभुज होंगी, क्योंकि समरूप त्रिभुजों में कौन सी प्रॉपर्टी लगी? एस ए एस, एस ए एस प्रॉपर्टी लगी, भुजा कोण भुजा वाली। क्योंकि इसका इसमें और इसमें ये पूरी साइड, जरूरी नहीं है ये है, इसको आप इस तरह भी कर सकते हो x प्लस x1 प्लस x2 डिवाइड बाय x2 और y प्लस y2 डिवाइड बाय y2। ये सभी अनुपात क्या होंगे? बराबर हो गए, उन्हीं के बेस पे ये सिस्टम है। इसका यूज करना है किसके लिए? औचित्य के लिए। औचित्य जब हम किसी भी उसका करेंगे थ्योरम का, यानी कि जितनी भी इसके अंदर है उनका औचित्य करेंगे तब हमें इसकी आवश्यकता होगी। चलिए मैं ऐसा करता हूं कि आपको एक थेल्स थ्योरम समझ में आ गई होगी, क्योंकि जब भी औचित्य करते हैं तो इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है, इसकी आवश्यकता हमें जरूर पड़ती है कि थेल्स थ्योरम। मेन मोटिव हमारा है कि हमें थेल्स थ्योरम आनी चाहिए। अगर थेल्स थ्योरम आती है तो हम आराम से उस चीज को कर पाएंगे। देखिए जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का पहला, वो क्या कहता है? वो कहता है हमारे पास कि कोई रेखाखंड है हमारे पास 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपातों में विभाजित करना है और दोनों भागों को मापिए। दोनों भाग मापने भी हैं कि कितना आता है या कितना नहीं आता। सबसे पहला काम क्या है कि इसने रेखाखंड दिया। देखिए इधर हम रचना के चरण लिखेंगे, रचना के चरण, रचना के चरण, और इधर हम करेंगे रचना, यानी कि साथ साथ जो काम कर रहे हैं वही हमने उधर उसके चरणों में लिख देना। पहली बात क्या दे रखी है कि 7.6 है, देखिए सेंटीमीटर में दे रखी है, परंतु सेंटीमीटर काफी छोटे हैं तो मैं इनको इंचों के हिसाब से करना शुरू करूंगा। तो आपने क्या करना है, जो जो मैं साथ में कर रहा हूं उसको आपने भी अपने साथ साथ करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है
कि 7.6, ये देखिए यहां से लग जाना जीरो से, जीरो से 7.6 तक आपने एक रेखा खींचनी है, 7.6 साढ़े सात से अगला स्टेप आता है 7.6 का, ये आ जाता है 7.6। आपने 7.6 ये लेंथ ले लेनी है जो नजर आ रही होगी आपको 7.6 में, ये 7.6 है आपकी ए बी। ए बी आपने कितना लिया, 7.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटरों में आपने कॉपी पे सेंटीमीटरों में लेना। तो पहला काम क्या किया हमने, ए बी बराबर है 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, या रेखाखंड खींचिए, रेखाखंड खींचिए। हमने क्या किया, रेखाखंड खींचिए, हमारे पास पहला काम क्या था, रेखाखंड खींचना। यानी कि हम किसी को बता रहे हैं कि हमें क्या क्या स्टेप करने हैं। उसके बाद बिंदु ए से, बिंदु ए से दूसरा स्टेप है, बिंदु ए से न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण कोण बी ए एक्स बनाएं, बनाए या खींचे। भाई यहां पर ये जो है अपना, यहां से ये अपन क्या करना है, कोई रेखाखंड खींचना है इस तरह से एक्स वाला, कैसा कि वो बी ए एक्स, बी ए एक्स ये न्यून कोण है, आपकी मर्जी है न्यून कोण कितना भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, बस 90 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, जीरो नहीं रहना चाहिए, ये आपके पास न्यून कोण है। अब अनुपात क्या है, अनुपात हमारे पास क्या दे रखा है, 5:8 दे रखा है, 5:8। तो ए एक्स तीसरा स्टेप आपने क्या करना, ए एक्स रेखाखंड, रेखा खंड पर 5+8 कितने 13 समान बिंदु, बिंदु ए वन ए टू ए थ्री किस तरह से ए 13 तक इस प्रकार लगाएं, इस प्रकार खींचे, खींचे कैसे खींचना है भाई, पहला ए ए वन बराबर ए वन ए टू बराबर ए टू ए थ्री बराबर ऐसे ए 12 ए 13, इसका मतलब जो ये दूरी है ना, ये दूरियां बराबर हो, यानी कि प्रकार का यूज करना है, आपकी मर्जी है जितनी प्रकार आप खोलो। पहला पॉइंट मैंने यहां से ए से नोकीला हिस्सा कहां रखना है, ए पर, ये यहां पर नोकीला हिस्सा रख दिया, पहला बिंदु लग गया 1, दूसरा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13, ये हमारे पास कितने आ गए 13। तो इनके नाम रखने हैं अभी आपने, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवन ए एट ए नाइन ए टेन ए इलेवन ए ट्वेल्व और ए 13, कितना ए 13, ये हमारे पास आ गए। क्या है कि ए वन और ए जितनी है दूरी है उतनी ये है उतनी ये है, ये सभी बराबर हिस्से है। चौथा पॉइंट पे हमने क्या करना है, 13 को बी से मिलाना है, ए 13 बी को मिलाएं, जो हम काम कर रहे हैं ना वही लिख रहे हैं, यानी कि इसको इसके साथ मिला देना है। ये आपने 13 के साथ मिला देना है इसको, ये 13 के साथ मिला दिया, अभी किसके साथ मिला दिया, ए 13 को बी के साथ, इसको इसके साथ मिला दिया, इसके साथ मिल गए यहां पर,
13 को 20 से। इसके बाद फिर क्या करना है, पांचवा जो स्टेप है वो क्या करना है कि देखिए इन दोनों का जोड़ कितना था, इन दोनों का जोड़ 13 था। अब 8 इससे ऊपर वाले नीचे रह गए हैं, क्योंकि नीचे 8 इससे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां आ गया। यानी कि अब हमने ना ये इससे एक साइड रखने, 1 2 3 4 और 5 पांच इससे एक साइड रखने हैं, तो हमने इसके साथ एक रेखा खींचनी है, यहां कोई बी डैश आएगा, A5 B' इस प्रकार, इस प्रकार से खींचे ताकि जो A5 B' है वो किसके समांतर हो, A13 B के समांतर हो, A5 B' किसके बराबर समांतर हो, A13 B के। देखिए भाई ए, जब भी समांतर रेखाएं कोई खींचते हैं किसी के, तो उसका स्टेप ध्यान रखिए भाई। जैसे यहां पे आपने क्या करना है, एक रेखा इस तरह से खींच दी, ये चाप लगा दी, और 5 पे से भी वही चाप आपने लगानी है, उतनी ही चाप आपने क्या करा, A13 से आपने प्रकार खोल ली, कितनी भी चाप लगा दी आपने, ठीक है, उतनी A5 पे नोकीला हिस्सा रखा और चाप लगा दी। फिर उसके बाद यहां जो ये यहां चाप इसको AX रेखाखंड को मिलती है यहां से, और इसकी चाप को मापिए यहां तक, जहां ये B और A13 वाली रेखा को कट करती है, इतना मिल गया। तो इसको फिर वही जहां पे ये चाप ऊपर मिली हुई है इसको इसके साथ है मिला दो, फिर आप जब 5 के साथ इसको मिलाओगे, 5 के को इसके साथ मिलाओगे, तो ये आपके पास है, क्या आ जाएगा, ये बिंदु आ जाएगा आपका B', इसका नाम आ जाएगा B', क्या नाम आ जाएगा B', ये हमारे पास क्या आ जाएगा B'। पूरी रेखा कितनी थी, 7.6 सेंटीमीटर। अब हमें नहीं पता कि ये कितना है, ये तो रेखा आपकी है ही है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा से बता देता हूं, एक बार ध्यान से देखिए, हमने क्या किया था कि इस पर 13 हिस्से के 13 को बी के साथ मिला दिया। अब हमारा काम था कि 5:8 में बांटना इसको, तो 8 हिस्से हैं पीछे, तो इसको गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हिस्से हैं, इस 8 किस पे आया, ये किस पे, A5 पे, यानी कि इसी के समांतर एक रेखा A5 B' खींचनी है। कैसी खींचनी है कि वो A13 B के समांतर हो इसके, और कोई रेखा समांतर खींचने के लिए क्या करते हैं, फिर से बता देता हूं, नोकीला हिस्सा यहां रखा और ये प्रकार हमने अपने हिसाब से खोल ली, ये ज्यादा मैंने इसलिए खोल लिया है क्योंकि मैं अगर यहां खोलता तो ये प्रकार का नोकीला हिस्सा इसको कट नहीं कर पाता, उतना ही जितनी ये खोल ली है ना उतनी आपने A5 पे नोकीला हिस्सा रख के एक चाप लगा लेनी है ये वाली, ठीक है। फिर आपने बंद करना प्रकार को, यहां देखना कि AX रेखाखंड पे जहां ये चाप ने कट किया ना उसको यहां से पकड़ा और मापा इसको, जो कहां तक जा रही है, इस रेखा पे A13 B पर जहां जितनी ये देखिए यहां से जितनी ये है उतनी आपने क्या करना है, यहां से माप के ये कट करना था, कट हो गया तो फिर क्या करना, A5 और इस कट को आपस में मिलाओगे तो ये AB रेखा को एक बिंदु पर कट करेगी जिसका नाम है B', तो इस प्रकार से खींचा जाता है। अब हमारे पास क्या है, हमने क्या किया है, हमने अभी तक क्या कर लिया, हमने किया है कि पहला पॉइंट हमारा B' आ गया। अब कैसे पता चलेगा कि ये जितना ये हिस्सा है उतना ही वो हिस्सा है, अब देखोगे, आप देखिए इन एबीस के औचित्य के बारे में बात करते हैं, रचना का औचित्य है, रचना का
औचित्य है, औचित्य रचना का औचित्य के लिए क्या करना है भाई, देखिए त्रिभुज ए बी ए तेरा में ये त्रिभुज है ए बी ए तेरा, इसमें अभी इसमें क्या है कि जो बी ए तेरा और बी वो किसके समांतर है, वो ए पांच बी डैश है, ए पांच बी डैश ये इसके समांतर है। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलती है, थेल्स परमेय, थेल्स परमेय क्या बोलती है भाई, थेल्स परमेय तो एक चीज बोलती है, कहती है कि अगर कोई त्रिभुज इस तरह से है और उसकी कोई एक भुजा के समांतर है, अगर कोई भुजा खींची जाती है समांतर और वो इस त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को कट करती है तो इसके अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे, समानुपाती कट करती है। चलिए भाई ये तो हमने पता है कि हमने इसके ये समांतर खींच रखी है, परंतु यहां ए से ए पांच तक के कितने बिंदु बने हैं, एक दो तीन चार पांच, ये कितने बने हैं, ये तो पांच बने, और ए पांच से ए आठ तक, ए तेरह तक, ए तेरह तक कितने हिस्से हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, कितने हिस्से हैं, आठ, तो ये कितना अनुपात हुआ, ये अनुपात हो गया भी इसका पांच अनुपात आठ। परंतु हमें तो क्या है, थेल्स परमेय क्या कहती है कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब ए और ए पांच बटे ए पांच से ए तेरह वो किसके बराबर है, ए से बी डैश और बी डैश से बी, इनका जो अनुपात आएगा इसका और बटे ये, इसका बटे ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे, समान होंगे तो इसका अनुपात कितना भाई, अभी बताया कितना, पांच अनुपात आठ है, यानी पांच बटे आठ, और इसको अनुपात में बदलेंगे तो पांच अनुपात आठ आएगा, पांच अनुपात आठ आएगा। अगर जब हम इसको मापना शुरू करते हैं कि हमारे पास पूरी कंप्लीट कितनी थी, सात पॉइंट छह थी, सात पॉइंट छह थी, अगर ध्यान से देखते हैं ये हिस्सा कितना है, पहला मापने की भी बात कर रखी है ना, ए बी डैश कितना है मेरे हिसाब से, तो वही आता है अपना तीन पॉइंट तीन, तीन पॉइंट तीन, और अगला हिस्सा कितना आता है, तीन पॉइंट है तीन, और फिर अगला हिस्सा कितना आ जाएगा, बी डैश बी वो कितना आ जाएगा, चार पॉइंट है तीन, चार पॉइंट है तीन, यदि थोड़ा बहुत इसके पॉइंटों में आ सकता है भाई, मिनी पॉइंटों में, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आता है, सात पॉइंट है छह आता है, सात पॉइंट छह आता है, परंतु थोड़ा बहुत पॉइंटों में हो सकती है क्योंकि चौक में और पेंसिल में फर्क होता है। तो ये थी आपकी जो पहला पार्ट है इसका एक्सरसाइज का, इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन करना था भाई। हाँ जी अब देखिए क्वेश्चन नंबर दो हमारे पास क्या कहता है, पर्सन है जो एक्सरसाइज ग्यारह पॉइंट एक का दूसरा, वो कहता है त्रिभुज ऐसे बनाने चार सेंटीमीटर पांच सेंटीमीटर और छह सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है, यानी कि हमने सबसे पहला काम किया है एक ऐसी त्रिभुज बनानी है भाई जिसके अंदर क्या हो छह सेंटीमीटर पांच सेंटीमीटर और चार सेंटीमीटर त्रिभुज हो की भुजा की लंबाई दी है, रचना करनी है इसकी, रचना करने का मतलब सबसे पहला काम तो यही बनाना, फिर इसके समरूप यानी कि इसी के समरूप इसी जैसी एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी, यानी कि इसी जैसी एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं, यानी कि इसकी नहीं, मान लीजिए जो इसकी त्रिभुज ऐसी बनेगी उसकी भुजाएं, दिए हुए त्रिभुज यानी कि इसकी त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितनी है, दो बटे तीन भाग है, देखो भाई दो बटे तीन भाग है, कितनी है दो बटे तीन, यानी कि इसकी भुजा की दो बटे तीन, यानी कि इसकी दो बटे तीन की होगी दो बटे तीन, आठ बटे तीन आ जाएगा, दो बटे तीन ये आ जाएगा दस बटे तीन, दो बटे तीन ये आ जाएगा बारह बटे तीन, ऐसी
बुझाएं आएंगी, परंतु आपने ऐसे लेके नहीं करना, ऐसे लेके नहीं करना जैसे मैंने गुणा करके किया। आपने केवल ये सोचना कि इस तरह से, यानी कि वो त्रिभुज क्या होगी जो ये त्रिभुज बनेगी ना समरूप, इस त्रिभुज की वो क्या होगी, यानी कि एक से दो बटे तीन क्या होता है, वो एक से छोटा होता है, एक से छोटा, तो इसके अंदर बनेगी वो क्या बनेगी, इस त्रिभुज के अंदर बनेगी। ये बात समझ लेगी थी, यानी कि उसका रेशो क्या होगा, दो रेशो तीन, यानी कि जो ये बनेगी ये तो तीन हिस्से बनेंगे और वो बनेगी वो दो हिस्सों में बनेगी। तो ये चीज हमारे पास है। दोबारा फिर त्रिभुज की जो क्वेश्चन है दो, उसको दोबारा से रिपीट करा देता हूं कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिभुज भुजा वाली एक त्रिभुज की रचना करनी है, फिर उसके समरूप, यानी कि इसी त्रिभुज के समरूप हमने एक ऐसी त्रिभुज की रचना करनी है जो दी हुई त्रिभुज की कितनी है, 2/3 है गुणी है, यानी कि 2/3 ऊपर छोटा है, नीचे कितना है, बड़ा है, तो ये छोटी बनेगी, इससे छोटी बनेगी। तो रचना करनी है भाई, और रचना के चरण भी करने हैं साथ साथ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास त्रिभुज की क्या भुजा दे रखी है, 4, 5 और 6 दे रखी। मैं 6 सेंटीमीटर त्रिभुज ले लेता हूं, भुजा ले लेता हूं 6 सेंटीमीटर, ये मेरे पास है 6 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक मेरे पास कितनी आ गई, ये ए बी जो भी कर रहे हो वही लिखना है, ए बी 6 सेंटीमीटर रेखाखंड लो, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या करनी है, त्रिभुज की रचना करनी है। भाई मैंने मान लिया कि ए ये जो त्रिभुज इस तरह की बनेगी, ये तो 6 मान लिए, 5 मान लिए, 4 पहले तो ये बनेगी। अब ए बिंदु से 5 सेंटीमीटर की एक चाप लगाएं, ए बिंदु से 5 सेंटीमीटर, देखिए ए बिंदु से 5 सेंटीमीटर, भाई ये हमारे पास है ए बिंदु से 5 सेंटीमीटर, ये माप लिया मैंने ए से 5, देखो ए से 1 से 5 तक माप लिया मैंने, माप लिया तो भाई अब क्या होगा, ये मैंने ये क्या किया, ए बिंदु से एक 5 सेंटीमीटर की चाप लगाएं, यानी कि दूसरा स्टेप होगा ए बिंदु से 5 सेंटीमीटर की चाप लगाएं, क्योंकि हमने क्या करना है, उसको समझाना है एग्जामिनर को कि हमने क्या क्या किया, फिर ये काम हो गया भाई 5 वाला चाप वाला। अब फिर क्या करना है, 4 सेंटीमीटर की कहां से, बी से 4 सेंटीमीटर की हमने चाप लगानी है। देखिए मैंने यहां से और 4 सेंटीमीटर की चाप है ये माप ली है, 4 सेंटीमीटर की चाप माप ली। अब फिर क्या किया, बी से 4 सेंटीमीटर की चाप लगाएं, बी से क्या करें, 4 सेंटीमीटर की चाप लगाएं, ये तो काफी छोटी हो गई भाई, ये तो काफी छोटा हो गया, तो इसकी डिस्टेंस थोड़ी सी बड़ी लेनी थी, बी बिंदु से 4 सेंटीमीटर की चाप लगाएं, दोनों चापें एक दूसरे को कितने पर, एक दूसरे को सी बिंदु पर काटती है, बिंदु पर काटती है, लो भाई आपस में इस बिंदु को काटती है, इसका नाम है सी, क्या नाम है इसका सी। तो मैं क्या कर लेता हूं, इसको इधर मिला दिया और इसको इधर मिला दिया, ये अपने पास त्रिभुज बन गई ए बी सी, हमारे पास क्या बन गई, त्रिभुज ए बी सी, ये हमारे पास है त्रिभुज ए बी सी बन गई भाई। अब इसमें इसके लिए मैं थोड़ा उसके पास लेके जाता हूँ इस सिस्टम को, हाँ भाई अब देखिए, क्योंकि वहां से ये साफ नजर नहीं आ रहा था, अब थोड़ा छोटा कर दिया है मैंने, ये नजदीक ले आया। अब आपने बी बिंदु पर कोई क्या करना, न्यून कोण बनाना है, न्यून कोण बी बिंदु पर, न्यून कोण बी ए बिंदु पर बना लीजिए,
आपकी मर्जी, आप बी पे बना सकते हो। ये किस तरह से न्यून कोण बनाना है कि ये बी ए एक्स न्यून कोण बना दिया। अब हमारे पास क्या दे रखा था, 2/3 दे रखा था। कितना दे रखा था, 2/3। अब इनमें से ध्यान रखना है बड़ा कोण है, 3 है, तो 3 बराबर इससे आपने इस पे इस तरह से काटना है जैसे हमने पीछे काटे थे, 1 2 और ये 3। ये A1 A2 A3 ये 3 हिस्से काटने हैं। फिर क्या करना, A3 को किससे मिलाना है, B से मिला दो। किसको, A3 को B से मिला दो, A3 को B से ये मिला दिया। फिर क्या करना है, ये 3 वाला तो बाहर वाला कट गया, अब अंदर कौन रह गया, 2 हिस्से। तो 1 2 2 हिस्से। ये क्या करना आपने कि आपने ये तो कर दिया, अभी ये B था, B के साथ किसको मिला दिया, बी ए 3 को मिलाए। लिखते रहना भाई, क्योंकि मैं ये जो बता रहा हूँ ये साथ साथ हो नहीं पाएगा दोनों इकट्ठे, कि मैं वो लिखता भी रहूँ, क्योंकि ये मैंने आपका जूम करके दिखाने की कोशिश की है। फिर आपने क्या करना है कि आपने ए बी 3 के समांतर एक ऐसी ए 2 बी डैश खींचनी है रेखा। आपको पता है कि समांतर जब भी खींचते हो तो यहाँ नोकीला हिस्सा किस पे रखा, A3 पे रखा, तो आपने इस तरह से एक चाप लगा दी। ऐसे ही कहाँ से लगानी है, नोकीला हिस्सा कहाँ रखना है, A2 पे चाप लगाई। क्योंकि देखो तीसरा हिस्सा तो यहाँ था, तो नीचे वाला, अब ऊपर वाला किसको, इसके साथ, क्योंकि ये जो त्रिभुज है ये बड़ी है, वो अंदर इसकी छोटी बनेगी। फिर इस पे यहां से मापिए यहां तक का, ये यहां तक का एरिया मापिए, ये चाप की लंबाई माप ली। फिर इसी को हमने क्या किया, ये कट कर दिया ऐसे, जहां ये कट कर रही है आपस में चाप पे, इसको किससे मिलाना है, इसको A2 से मिलाना है। किससे, A2, ये A2 रही और ये वो बिंदु रहा। इसको जब A2 से मिलाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा B', क्या आ जाएगा, B'। अब क्या करना है, इसी तरह का हमने BC के समांतर B'C' बनानी है। यानी कि अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि BC के समांतर हमने B'C' की रचना करनी है, BC के समांतर B'C' की रचना। तो ये क्या करेंगे, ये देखिए भाई, यहां से वही बात, आधे से ज्यादा ये खोल लेंगे ऐसे, फिर उतनी खुली गोलाई से B' से ये, अब हम मापेंगे यहां से ये BC लाइन की जितनी भी लेंथ बनती है इतनी, और यहां से ही ये इसके साथ। अब जो B' से किसके साथ मिलानी है, इसके साथ, ये लाइन जहां बनी है, क्योंकि इसके समांतर रेखा हमने ये खींचनी है, ये समांतर रेखा खींचेंगे, ये हमारे पास आ गई, इसका नाम है C' ये C', यानी कि हमारे पास क्या बनी है, एक ये त्रिभुज बनी है, देखिए AB और ये C, ये हमारे पास एक त्रिभुज ऐसी है जिसके समांतर एक त्रिभुज हमारे पास समरूप एक त्रिभुज बन गई AB' C' हमारे पास ये इसकी त्रिभुज बन गई है। अब इस त्रिभुज के जो चरणा, ये तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। हाँ भाई, अब देखिए जो मैंने यहाँ ये जो कंस्ट्रक्शन के स्टेप किए थे वो मैंने यहाँ लिख दिए। 4 में क्या किया, AC और BC को मिलाओ, जो यहाँ कट किया था ये आपस में, ये C बिंदु आ गया, इसको AC और BC मिलाए थे। उसके बाद जो मैंने अभी कराया, बी कोण हमने BA(x) न्यून कोण लिया, उस पर 3 हिस्से इस प्रकार लिए थे कि तीनों बराबर हो। उसके बाद A3 को B से मिलाना है, कब मिलाना है, क्योंकि एक्चुअल जो हमारी ट्रायंगल ये ABC है, क्योंकि इसका नीचे ये बड़ी है, तो बड़े वाले को इसके साथ मिलाना है। उसके बाद फिर इसके समांतर हमने एक ये रेखा ली, तो अपने पास
फिर यहाँ बी बिंदु मिल गया, तो बी सी और बी डैश सी डैश दोनों आपस में समांतर खींचनी थी, ये हमने खींच दिया। अब इसके बाद हमारे पास जो ये त्रिभुज बनी है, एक तो त्रिभुज बनी है ए बी डैश सी डैश, तो दूसरी त्रिभुज हमारे पास क्या बनी है, त्रिभुज ए बी सी। अब हमें क्या दिखाना है, ये दोनों के दोनों क्या हो, ये दोनों के दोनों समरूप है, ऐसा हमने अब दिखाना है, क्योंकि ये क्या चीज होगी, ये रचना का औचित्य होगा, रचना का औचित्य। अब हमें रचना का औचित्य भी दर्शाना है। देखिए रचना का औचित्य दर्शाने के लिए मैं थोड़ा साफ कर देता हूं इसको। थेलेमस प्रमेय से क्या है, थेलेमस प्रमेय द्वारा देखिए जो ये है हमारे अपने पास है, त्रिभुज है, जो त्रिभुज कौन सी ए बी सी ए बी ए तीन में अपने पास क्या है कि ए टू बटे ए ए थ्री वो किसके बराबर है, ए बी डैश बटे ए बी, ये कितना है, ये दो हिस्से हैं और ये कितने हैं, तीन हिस्से हैं, एक दो दो हिस्से है और ये पूरी में एक दो तीन तीन हिस्से है, क्योंकि हमारे पास पूरी त्रिभुज में। इसी प्रकार क्यों आई है ये इसलिए आई है क्योंकि इसके अंदर ना ए तीन बी समांतर किसके है, ए दो बी डैश है। इसी प्रकार त्रिभुज कौन सी है, ए बी सी, ए बी सी में क्या है हमारे पास, ए बी सी में हमारे पास क्या है, जो बी सी है हमारे पास बी सी है वो किसके समांतर है, बी डैश सी डैश के समांतर है। तो इस त्रिभुज में भी क्या होगा, इस त्रिभुज की ये भुजाएं देखिए, ये त्रिभुज है कैसे कि ए ए बी डैश और ए बी वो किसके, ए सी डैश और किसके, ए सी, जब इसका मान कितना है, ए बी डैश बटे ए बी और ये भी कितना है, दो अनुपात है तीन है, यानी कि जो ये दो त्रिभुज बनी थी हमारे पास, दो त्रिभुज कौन से, त्रिभुज ए बी डैश सी डैश वो और किसमें, और त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में दोनों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान आ गया, क्योंकि इसके बटे ये भुजा और इसके बटे ये भुजा अनुपात समान है और कोण ए बराबर है, तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी डैश सी डैश क्या है, ये हमारे पास समरूप है ए बी सी के। ये इस तरह से आपने बनानी है और औचित्य सिद्ध करना। ये था हमारा क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था।